नमस्कार, बिपिन टेक में आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप IRCTC का जो 4-डिजिट पिन होता है जिससे हम लोग लॉगिन करके इंटर होते हैं, अगर हम लोग उसको भूल जाते हैं तो दोबारा से कैसे बना पाएंगे, वो भी बिना OTP के, आप लोग उसको फॉरगेट कैसे कर पाएंगे, नया पिन कैसे जनरेट कर पाएंगे, आज के हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारा ऐसे ही रेल संबंधित वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं कि इंटर करने के लिए यहां पे 4-डिजिट पिन मांगता है, लेकिन हम तो पिन को भूल चुके हैं तो हम यहाँ से फॉरगेट पिन पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ यस करेंगे। ऊपर में यूज़र नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। नीचे हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है जो हम लोग IRCTC में पासवर्ड को बनाए रखे होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड को फटाफट डाल देता हूँ। पासवर्ड के डालने के बाद हमें एक चीज़ को ध्यान देना होता है जो कि लिखा हुआ है लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP। अगर आप इसमें टिक मार्क कर देते हैं तो आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, फिर पता नहीं OTP कब तक आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैप्चर कोड से इसको नया पिन को बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चर कोड को इंटर कर देता हूँ। कैप्चर कोड को हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यह वेरीफाई होकर के नया पिन जनरेट के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरेट पिन का ऑप्शन आ गया है, यानी आप यहाँ से नया पिन को बना सकते हैं जो आपको भूल गए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे दूसरा पिन सेलेक्ट करता हूँ। जो पिन आपने ऊपर में डाला है वही पिन आपको यहाँ नीचे कन्फर्म में डालना है। तो चलिए मैं पिन को डाल देता हूँ। पिन हमने डाल दिया है दोनों से ही, और हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके जैसे ही करेंगे तो हमारा नया पिन जनरेट हो गया है और हम यहाँ पे IRCTC में फिर इंटर करके टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो।